दोस्तों आप में से बहुत सारा भाई है जो कि मुझे कमेंट करता है कि भाई एक ऐसा फोन बताओ जो कि 15,000 के अंदर हो और उसमें बेस्ट कैमरा हो, यानी बेस्ट कैमरा फोन अंडर 15,000। तो दोस्तों ये है वो फोन जो कि 15,000 के अंदर आता है और इसमें बेस्ट कैमरा फीचर्स दिया है, यानी कैमरा के लिए ये फोन वन ऑफ द बेस्ट फोन है जो कि भाई 15,000 के अंदर आता है। अब क्यों मैं इसको वन ऑफ द बेस्ट बता रहा हूँ वो भी आपको इस वीडियो में बताऊंगा, लेकिन इस मोबाइल का अनबॉक्सिंग इस चैनल पे 6 महीने पहले अपलोड किया गया था और 6 महीना इस मोबाइल को जम के यूज किया गया है। और आज के इस वीडियो में आफ्टर 6 मंथ इस मोबाइल का कैसा एक्सपीरियंस है, क्या अभी लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए वो भी बताऊंगा, और साथ ही साथ इस मोबाइल को क्यों मैं वन ऑफ द बेस्ट कैमरा फोन बता रहा हूँ वो भी बताऊंगा। यानी अगर आप बेस्ट कैमरा वाला फोन ढूंढ रहे हो या फिर 15,000 आपका बजट है, आप एक ऐसा मोबाइल चाहते हो जहां पर इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर हो, एमोलेड डिस्प्ले हो, कैमरा लाजवाब हो, सब कुछ बेहतर हो, फास्ट चार्जिंग भी, तो आज के इस वीडियो को लास्ट तक देखो। तो वीडियो स्टार्ट कर लेते, चैनल पर पहली बार आए हो सब्सक्राइब कर लो। ये फोन है दोस्तों आईक्यू की तरफ से IQ Z6 440W। इस फोन का अनबॉक्सिंग अगर आप देखना चाहते हो चैनल पर आपको मिल जाएगा, बट अगर आप इसको परचेस भी करना चाहते हो तो यहां पर व्यू प्रोडक्ट का ऑप्शन मिलेगा, यूट्यूब का नया फीचर है, वहां पर क्लिक करके इस मोबाइल का प्राइस भी जान सकते हो, साथ में इसको परचेस भी कर सकते हो डायरेक्टली, तो प्लीज वहां पर एक बार क्लिक जरूर कर लेना। अब दोस्तों सबसे पहले इस फोन का हम लोग बिल्ड क्वालिटी से स्टार्ट करते हैं। देखिए फोन को यूज करते हुए 6 महीना हो चुका है और 6 महीने बाद भी यहां पर बैक साइड में एक भी स्क्रैच आप नहीं दिखा सकते। बैक पैनल जो है दोस्तों वो है ग्लास बैक पैनल, यानी यहां पर ग्लास फिनिशिंग दिया है, यानी दोस्तों यहां पर बैक पैनल जो है वो काफी जबरदस्त है मतलब बिल्ड क्वालिटी के मामले में। और फ्रंट की बात करें दोस्तों तो फ्रंट में गाइस बहुत सारा स्क्रैच आपको देखने को मिल रहा है, बट फ्रंट में गाइस एक डिस्प्ले प्रोटेक्टर लगा हुआ है और वो प्रोटेक्टर में भाई यहां पर स्क्रैच है। यानी मैं हमेशा कहता हूं चाहे जो भी मोबाइल आप यूज करो भाई, यहां पर ये जो प्रोटेक्टर लगा हुआ है कुछ इस तरीके से प्रोटेक्टर यूज करो, आपका डिस्प्ले सेफ रहता है। तो बिल्ड क्वालिटी के मामले में ये फोन वन ऑफ द बेस्ट हम लोग कह सकते हैं। अब दोस्तों चलिए फीचर्स में नजर देते हैं। देखिए डिस्प्ले से स्टार्ट करते हैं। इस फोन में दोस्तों आपको मिलता है 6.44 इंच का एक डिस्प्ले जो कि फुल HD प्लस रेजोल्यूशन के साथ एक एमोलेड डिस्प्ले है दोस्तों, यानी डिस्प्ले का क्वालिटी नेक्स्ट लेवल का है। आउटडोर में मैंने इसको टेस्ट किया है, यहां पर ब्राइटनेस में या फिर किसी भी तरह का मतलब कलर में प्रॉब्लम नहीं है, इंडोर में कोई भी प्रॉब्लम यहां पर देखने को नहीं मिलता है। और यहां पर जो वीडियो का कंटेंट वगैरह मैं आपसे शो कर रहा हूं आपको शो कर रहा हूं काफी लाजवाब है दोस्तों, क्लियर यहां पर मतलब कलर निकलता है, शार्प है, कोई भी दिक्कत नहीं है। एमोलेड होने की वजह से यहां पर दोस्तों काफी बढ़िया आपको एक्सपीरियंस मिलने वाला है कंटेंट देखने के टाइम या फिर डिस्प्ले के मामले में। अब आप सोच रहे हो भाई इस फोन में हम लोग गेम कैसे खेल सकते हैं या फिर परफॉर्मेंस कैसा है फोन का। देखिए इस फोन में आपको मिलता है स्नैपड्रैगन की तरफ से स्नैपड्रैगन 680 का चिपसेट जो कि 6 नैनोमीटर में बना हुआ है। और इस चिपसेट में दोस्तों मैंने काफी कुछ एक साथ रन करके देखा, काफी अच्छा एक्सपीरियंस रहा, UI एक्सपीरियंस भी काफी बेहतर है। दोस्तों यहां पर फ्री फायर ऑलरेडी इंस्टॉल है फोन में, यानी इस फोन का जो यूजर है वो फ्री फायर खेलता है दोस्तों, उसको भी मैंने मतलब पूछा तो यहां पर एक्सपीरियंस काफी लाजवाब है। यानी दोस्तों अगर आप गेम वगैरह भी खेलना चाहते हो तो काफी अच्छा एक्सपीरियंस यहां पर मिल जाता है। अब दोस्तों अगर रैम और इंटरनल स्टोरेज की बात करें तो फोन आता है 4GB रैम के साथ और 128GB का इंटरनल स्टोरेज मिलता है। स्टोरेज भाई यहां पर आपको ज्यादा मिल जाता है, बेस वेरिएंट की बात कर रहा हूं। और यहां पर दोस्तों जो बैटरी डिपार्टमेंट है वो भाई नेक्स्ट लेवल का है, आपको यहां पर 5000mAh का बैटरी मिलता है दोस्तों, और ये बैटरी आपको काफी अच्छा बैटरी बैकअप देता है क्योंकि यहां पर एमोलेड डिस्प्ले है और एमोलेड डिस्प्ले का होने का फायदा यही है दोस्तों कि आपके बैटरी बहुत ही कम खाता है, यानी बैटरी बैकअप आपको ज्यादा मिलता है। और यहां पर इसी साथ आपको 44W का चार्जर मिलता है जो कि इस मोबाइल का और एक प्लस पॉइंट कह सकते हैं। अब चलिए हम लोग नजर देते हैं भाई कैमरा में। देखिए इस फोन में बैक साइड में आप नजर दीजिए दोस्तों, 50 यानी 50 मेगापिक्सल का आपको ट्रिपल रियर कैमरा देखने को मिलता है। यहां पर अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस मिसिंग है, फिर भी मैं आपको कहूंगा ये फोन वन ऑफ द बेस्ट कैमरा फोन है क्योंकि सबसे पहले कुछ माइक्रोशॉट आप देख लीजिए दोस्तों जो कि इस कैमरा से मैंने खींचा है, काफी अच्छा और क्लियर यहां पर माइक्रो फोटो निकाल के दे रहा है, यानी डिटेल्स काफी बढ़िया है और क्वालिटी में कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं है, कलर भी काफी अच्छा निकाल के देता है, यानी ओवरऑल यहां पर जो बुके फोटो आता है वो मुझे काफी अच्छा लगा गाइस। अब जो सैंपल मैं आपको दिखा रहा हूँ ये भाई जो मोबाइल का यूजर है उसने खुद खींचा है जो कि मैं आपको दिखा रहा हूँ, मतलब जो नॉर्मल यूजर फोटो खींचता है कुछ इस तरीके से फोटो निकलता है इस मोबाइल का, नेचुरल सा आपको कलर मिल जाता है, कोई भी ज़्यादा दिक्कत नहीं है। लो लाइट में थोड़ा सा कमियाँ है लेकिन अगर आप मतलब डे लाइट में इस कैमरा को यूज करते हैं तो काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस निकाल के देता है। और ये फोन दोस्तों इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर के साथ आता है, तो यहाँ पर मैंने इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट को टेस्ट किया तो आफ्टर 6 मंथ यहाँ पर जो एनिमेशन वगैरह है वो काफ़ी अच्छे से काम कर रहा है, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो अगर आप इस मोबाइल को खरीदना चाहते हो, एक बेस्ट कैमरा फोन है, तो यहां पर आपको व्यू प्रोडक्ट का ऑप्शन मिल रहा है, वहां पर क्लिक करके प्लीज जरूर इस मोबाइल को एक बार चेकआउट कर लेना। तो ये था गाइस IQ Z6 का आफ्टर 6 मंथ का एक्सपीरियंस जो कि मैंने आपसे शेयर किया, काफी अच्छा लगा मुझे। आपको कैसा लगा ये फोन आप मुझे कमेंट करके बताना, वीडियो पसंद आए तो लाइक करना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद, टेक केयर।